नमस्कार, यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मीरा वर्मा और आपको सुना रही हूँ पुष्पा पांडे द्वारा लिखी एक लघु कथा जिसका शीर्षक है वक्त। तो आइए मिलकर सुनते हैं। स्कूल से आने के बाद हमेशा की तरह प्रीति विवेक की डायरी देखने लगी। शिक्षिका की शिकायत हमेशा की तरह यही कि इसका गृह कार्य पूरा ही नहीं होता है। साथ ही यह भी लिखा था कि विवेक हमेशा यही कहता है कि समय ही नहीं मिला गृह कार्य पूरा करने का। आखिर करता क्या है विवेक? प्रीति चिंतित हो उठी। वहीं ध्रुव 2 साल उससे छोटा है लेकिन हर काम समय पर कर लेता है, पर विवेक, वह पढ़ने भी बैठता था तो बीच बीच में पेन पेंसिल से खेलने लगता था। आखिर कितना तक देख पाएगी प्रीति? सुबह अक्सर उसकी बस छूट जाती थी, माँ को ही स्कूल छोड़ना पड़ता था। प्रीति परेशान थी उसकी इस आदत से। अब तो वो अपने को ही दोषी मानने लगी। पति से भी हमेशा सुनने को मिलता था, दिन भर घर में रहकर भी बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखा पाती हो। सब कुछ कर देख चुकी थी, साम दाम दंड भेद नीति सब कुछ हजमा चुकी थी। विवेक की लापरवाही से बहुत परेशान थी। अचानक फोन की घंटी बजी। उसकी एक दोस्त का फोन था। हेलो प्रीति, आज प्रदर्शनी देखने चलोगी? अरे नहीं यार, मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ? अरे ये विवेक है ना, परेशान कर रखा है। उस पर किसी बात का असर ही नहीं पड़ता है, समय पर तो कुछ करता ही नहीं है। सीधे सीधे उपदेश देती होगी तो उपदेश सुनना किसे अच्छा लगता है? कोई और उपाय ढूंढो। उसकी ये बातें सुनकर प्रीति के दिमाग में एक बल्ब सा जल उठा। सुन, बाद में बात करती हूँ तुमसे। विवेक और ध्रुव, तुम दोनों सुनो, शाम को ठीक 7 बजे पढ़ाई करने से पहले मैंगो शेक मिलेगा। अरे वाह मम्मी, आज तो मज़ा आ जाएगा। प्रीति जानती थी कि विवेक को मैंगो शेक बहुत पसंद है, पर याद रखना ठीक 7 बजे। मम्मी कहाँ है मैंगो शेक? वो तो 7 बजे मिलने वाला था, लेकिन अभी तो सिर्फ 15 मिनट ही देर हुई है। पर देर तो हुई है। विवेक रोनी सूरत बना माँ से बोला, तुम्हें याद रखना चाहिए था। नहीं बेटा, एक बार समय बीत जाने पर वह वापस नहीं आता है, विवेक बुदबुदाते हुए चला गया। पहले तो ऐसा नहीं था, कल से मैं पहले ही आ जाऊंगा। प्रीति को एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी और वह मन ही मन अपने दोस्त को धन्यवाद देने लगी। ये कहानी बस इतनी ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। मैं मीरा वर्मा फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।